Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक वन का मॉड्यूल वन इंडिया एंड वर्ल्ड थ्रू द एजेस लेसन एट इंडियन नेशनल मूवमेंट जो कि हिस्ट्री का चैप्टर है, आज हम लोग इसका बचा हुआ पार्ट कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो डियर लर्नर्स, नाउ वी आर गोइंग टू कवर अप नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज द राइज ऑफ रेडिकल नेशनलिस्ट्स। हम लोग देखेंगे कि जो उग्रवादी जो थे उनका किस प्रकार से उदय हुआ। द माइल्ड पॉलिसीज ऑफ द मॉडरेट्स इन द कांग्रेस लेड टू द राइज ऑफ पैशनेट रेडिकल नेशनलिस्ट हु केम टू बी कॉल्ड द गरम दल। Thus, the first phase of the nationalist movement came to an end with government reaction against the Congress on the one hand and a split in the Congress in 1907 on the other. That is why the period after 1905 till 1918 can be referred to as the era of passionate nationalists or Garam Dal. Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal, Lal Bal Pal, were important leaders of this radical group. When the moderates were in the forefront of the action, they had maintained a low profile, but now they swung into action. Their entry marked the beginning of a new trend and a new phase in India's struggle for freedom. According to them, the moderates had failed to define India's political goals and the methods adopted by them were mild and ineffective. Besides, the moderates remained confined to the upper landed class and failed to enlist mass support as a basis for the negotiating with the British. तो जो मॉडरेट्स थे उनका कुछ पॉलिसीज था कांग्रेस में, उससे लोगों में क्या हुआ कि जो रेडिकल नेशनलिस्ट का एक खुद का जुनून खड़ा हुआ, जिन्हें हम लोग गरम दल के भी नाम से बोलेंगे। ये पहला फेज था नेशनलिस्ट मूवमेंट का जिसका अंत होना शुरू हो गया। ये जो गवर्नमेंट रिएक्शन था कांग्रेस के अगेंस्ट में वो उतना अच्छा नहीं था उनका, ठीक है। एक तरफ जहाँ पे जो कांग्रेस है वो स्प्लिट हो जाता है 1907 में, और वहीं फिर क्या होता है कि ये जो पीरियड था 1905 से 1918 तक, उसे एक नया नाम दिया गया, उसे रिफर किया गया एरा ऑफ पैशनेट नेशनलिस्ट और गरम दल। इन्हें जो पैशनेट नेशनलिस्ट क्या है कि उनके पास एक पैशन, उनके पास एक जुनून है कि वो उस चीज को प्राप्त कर लेंगे, और उन्हें प्राप्त क्या करना था, देश की आजादी, या फिर इन्हें गरम दल भी बोला जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और जो बिपिन चंद्र पाल थे, इन्हें हम लोग एज कंबाइन क्या बोलेंगे, लाल बाल पाल। ये एक इम्पोर्टेंट लीडर्स थे रेडिकल ग्रुप के, उग्रवादी समूह के, ठीक है। जब जो हमारा मॉडरेट था उसका जो एक्शन था उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा था, लोग में लो प्रोफाइल मेंटेन करके रखे थे, और ये इनका जब एंट्री होता है तो बहुत ही अलग तरीके से होता है। इंडिया स्ट्रगल में जब आजादी की लड़ाई में वो जब एंट्री करते हैं तो इनका अलग ही एंट्री होता है। इनके अनुसार मॉडरेट जो है वो फेल हो चुके होते हैं, ना ही उनका कुछ पॉलिटिकल गोल्स बचता है, ना ही उनका जो मेथड जो वो अडॉप्ट करते हैं वो भी असरदार नहीं होता है। इन सबके अलावा जो मॉडरेट्स थे वो कन्फाइंड रह चुके थे, और जो लैंडेड क्लास थे वो भी फेल हो चुके थे। और इनके उन्होंने देखा कि जो ये मॉडरेट्स थे वो सिर्फ नेगोशिएट कर रहे हैं ब्रिटिश के साथ, सिर्फ नेगोशिएशन से तो काम नहीं चलने वाला था, अब तो कुछ बड़ा होना चाहिए था। तो ये जो गरम दल है वो पूरी तरह से इफेक्टिव वे में काम कर रहे थे। द गरम दल रियलाइज्ड दैट द ब्रिटिश वर आउट टू एक्सप्लॉइट इंडियंस, डिस्ट्रॉय देयर सेल्फ सफिशियंसी एंड ड्रेन इंडिया ऑफ इट्स वेल्थ। दे फेल्ट दैट इंडियंस शुड नाउ बिकम फ्री ऑफ फॉरेन रूल एंड गवर्न देमसेल्व्स। This group, instead of making petitions to the government, believed in organizing mass protests, criticizing government policies, boycotting foreign goods and use of Swadeshi, homemade goods, etc. They did not believe in depending on the mercy of the Britishers, but believed that freedom was their right. Bal Gangadhar Tilak gave a slogan, freedom is our birthright and we must have it. Yes.
तो जो गरम दल थे उन्होंने रियलाइज कर लिया था कि जो ब्रिटिश है वो यहाँ पर आए ही क्यों है, भारतीय का शोषण करने के लिए, इनके अपने जो भी सेल्फ सफिशिएंसी उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, साथ में जो यहाँ की जो संपत्ति है, जो वेल्थ है, इसे खाली करके अपने देश में ले जाने के लिए। उन्होंने महसूस किया कि जो भारत है अब उसे खुद से खड़ा होना चाहिए और खुद से जो गवर्न करना चाहिए, ठीक है, फॉरेन रूल्स को अब यहाँ से चले जाना चाहिए। और ये जो ग्रुप था उन्होंने पिटिशंस बनाने की जगह पे खुद क्या किया, उन्होंने एक अलग ही विश्वास खड़ा किया कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, हम लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे, उसके पॉलिसीज को, फिर जो भी फॉरेन गुड्स है, फॉरेन का जो सामान है उसका बहिष्कार करेंगे, और अपने स्वदेशी सामान का, जो हमारे घर में बना हुआ सामान है, उसका ही यूज करेंगे। उन्होंने बिलीव करना क्या स्टार्ट किया कि हम लोग ब्रिटिशर्स के दया के पात्र नहीं बनेंगे, हम लोग ब्रिटिशर्स के मर्सी का वेट नहीं करेंगे। पर उन्होंने खुद के लिए एक स्वतंत्रता के लिए एक नया स्लोगन दिया, और ये उन्होंने बोला कि ये तो हमारा हक है। जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उन्होंने एक स्लोगन दिया, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। यस, ये था स्लोगन जो कि बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था स्वतंत्र होने के लिए। In 1916, the two groups were again united with the efforts of Mrs. Annie Besant. Do you remember reading about her in earlier? Listen, she started working for the Home Rule movement in 1914. She was convinced that India should be granted self-government. In 1916, Muslim League and Congress also came to an understanding with each other and signed the Lucknow Pact. Later, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose became the eminent figures of Indian National Congress who led the freedom movement of India forward. तो 1916 में दो ग्रुप साथ में और यूनाइट हो गए थे, किनकी वजह से? मिसेस एनी बेसेंट की वजह से। क्या आपने इनके बारे में जो पढ़ा था पिछले चैप्टर में, आपको वो याद है? उन्होंने एक होम रूल मूवमेंट 1914 के लिए काम किया, उन्होंने कन्विंस किया इंडियंस, वो कन्विंस हो चुकी थी कि जो इंडिया है अब वो सेल्फ गवर्नमेंट करेगा, उनका सेल्फ का सरकार रहेगा, वो सेल्फ रूल करेगा। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस है वो एक दूसरे को समझ चुके थे और उन्होंने लखनऊ पैक्ट को साइन किया था। बाद में जो महात्मा गांधी जी है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो एक फिगर बन चुके थे, एमिनेंट फिगर बन चुके थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि फ्रीडम मूवमेंट में काम करके भारत को आगे प्रोग्रेस करवाते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग 1906, 1906 में मुस्लिम लीग का किस प्रकार गठन हुआ? As the radical movement grew stronger, the British began to look for ways and means to break the unity among Indian. They tried to do this through the partition of Bengal and by sowing the seed of communalism among Indian people. They motivated Muslims to form a permanent political association of their own. In December 1906, ड्यूरिंग द मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन ढाका, नवाब सलीम उल्लाह खान रेज द आइडिया ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन टू टेक केयर ऑफ मुस्लिम इंटरेस्ट। अकॉर्डिंगली ऑन 13 दिसंबर 1906 द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड। अनदर प्रोमिनेंट पर्सन आगा खान वॉज चूजन एज इट्स प्रेसिडेंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लीग वॉज टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया एंड रिप्रेजेंट देयर नीड्स टू द गवर्नमेंट बाय एनकरेजिंग द इश्यू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। द गवर्नमेंट सोड द सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म एंड सेपरेटिज्म अमंग इंडियंस। द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट फ्रूट ऑफ द ब्रिटिश मास्टर स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइड एंड रूल। मोहम्मद अली जिन्ना लेटर जॉइन द लीग। तो ये जो रेडिकल मूवमेंट था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रू कर रहा था, जो ब्रिटिश है इस मूवमेंट को देखकर परेशान हो जाते हैं और वो तरीका ढूंढते हैं ना कि किस प्रकार से हम भारतीयों की यूनिटी को तोड़ सके। और उन्होंने कैसे कोशिश किया, तो पहले तो उन्होंने बंगाल को विभाजित करने का कोशिश किया, फिर लोगों के बीच में समूह का एक बीज बोने का कोशिश किया कि हम इस फलाने समूह से बिलोंग करते। उन्होंने मुस्लिम्स को मोटिवेट किया कि आप परमानेंट पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाओ अपना खुद का। दिसंबर 1906 में क्या होता है कि जो मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था ढाका में, वहाँ पर जो नवाब सलीम उल्लाह खान थे उन्होंने एक सेंट्रल मोहम्मद एसोसिएशन को इस्टेब्लिश करने का आइडिया देते हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ मुस्लिम के इंटरेस्ट के बारे में बातें हो, उनका केयर किया जाए। और इसके अनुसार 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नींव रखा जाता है, उसे खोजा जाता है। और इसके एक और दूसरे मुख्य आदमी थे वो थे आगा खान, जिन्हें इसके प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाता है। इसका मेन जो लक्ष्य था इस लीग का वो था क्या चीज़ की, जो मुस्लिम्स हैं उनके अधिकार को
प्रोटेक्ट करना और इन्हें भारत में रिप्रेजेंट इंडिया में और इन्हें अपने गवर्नमेंट के सामने अपने नीड्स को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। और इस तरह से ये जो इंकरेज हुए थे हमारे मुस्लिम्स, तो उनका अपना खुद का इलेक्टोरेट भी सेपरेट हो गया। फिर जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से सफल होती है भारतीयों के बीच में, जो भारतीय थे ना हिंदू और मुस्लिम उसके बीच में, ये कम्युनलिज्म का सीड बोने में वो पूरी तरह से सफल होती है और वो अलग कर देती है मुस्लिम्स को हिंदू के साथ। फिर फॉर्मेशन होता है मुस्लिम लीग का, जैसे देखा किया जाता है कि ये पहला फल मिला था ब्रिटिश मां को उनके डिवाइड एंड रूल वाले पॉलिसी में, ये पहला उनका रिजल्ट आया था। और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे बाद में इस लीग को ज्वाइन कर लेते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, एक रिफॉर्म हुआ था मॉर्ले मिंटो, वो 1909 में हुआ था। आप इसे भी ध्यान से पढ़ लेना, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। डू यू रिमेम्बर रीडिंग अबाउट द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 व्हिच एनलार्ज्ड द लेजिस्लेचर बाय एडिंग मेंबर्स टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। द काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द 1892 रिफॉर्म्स आल्सो नोन एज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आफ्टर द नेम्स ऑफ द देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट Lord Morley and the then Viceroy Lord Minto. It increased the members of the Legislative Assembly from 16 to 60. A few non-elected members were also added. Though the members of the Legislative Council were increased, they had no real powers. They remained mainly advisory in character. They could not stop any bills from being passed, nor did they have any power over the budget. तो क्या आपको याद है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का, जिसमें क्या हुआ कि जो लेजिस्लेचर है इसमें और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बातें हो रही थी उसमें किस प्रकार से सदस्य को जोड़ना चाहिए भारतीय सदस्य को, ठीक है। ये जो काउंसिल एक्ट था 1909 में इसका एक्सटेंशन था, 1892 में रिफॉर्म्स हुआ था, जिसे हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। ये मॉर्ले मिंटो किसके नाम पे पड़ा, तो एक सेक्रेटरी थे स्टेट के लॉर्ड मॉर्ले और वहां पे एक वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, इनके नाम पे इस रिफॉर्म का नाम मॉर्ले मिंटो पड़ता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें मेंबर्स को इंक्रीज करना होता है 16 से सीधा 60, यानी कि 16 से 60 पे, और इसमें कुछ नॉन इलेक्टेड मेंबर्स को भी ऐड किया जाता है। जबकि ये जो मेंबर्स थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्रीज हुए थे, लेकिन इनके पास कोई पावर नहीं था। मीन्स मेंबर तो ऐड किया गया 16 से 60 पे आ गया, लेकिन इनके पास खुद का कोई पावर था ही नहीं, और वो अभी भी सिर्फ एडवाइजरी कैरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे। मैंने इसका मतलब क्या कि जो उसका फाइनल डिसीजन होगा वो ब्रिटिश का होगा, लेकिन वो एक सलाहकार के रूप में काम करेंगे, और वो ना ही किसी बिल को स्टॉप कर सकते ना ही पास कर सकते, ठीक है। ना ही उनके पास खुद का पावर था, ना ही वो किसी बजट को कुछ बजट के बारे में बोल सकते थे, मतलब सिर्फ वो सलाह देने का काम करते थे, ठीक है। The British made another calculated move to sow the seed of communalism in Indian politics by introducing separate electorates for the Muslims. This meant that from the constituencies dominated by Muslims, only Muslim candidates could be elected. Hindus could only vote for Hindus and Muslims could only vote for Muslims. Many leaders protested against this communal electorate policy of the British to divide and rule. तो ब्रिटिश थे वो बहुत ज्यादा चालाक हो चुके थे और वो समझ चुके थे कि अब हमारा यहाँ पे दाल नहीं गलेगा ज्यादा दिन। तो उन्होंने क्या किया कि एक और ज्यादा सोचा, तो उन्होंने एक बीज और बो दिया, ठीक है। इसमें फिर से उन्होंने कम्युनलिज्म का एक और बीज बोया इंडियन पॉलिटिक्स में। इसमें उन्होंने क्या किया कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस करवाया मुस्लिम्स के बीच में। इसका मतलब क्या था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पे मुस्लिम्स ज्यादा डोमिनेशन कर रहे हैं, ज्यादा संख्या में मुस्लिम्स है, तो वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स कैंडिडेट्स ही खड़े होंगे और वही इलेक्ट किए जाएंगे, और जो हिंदूज है सिर्फ हिंदूज के लिए वोट करेंगे और जो मुस्लिम्स है वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए वोट करेंगे। बहुत सारे ऐसे नेता थे, उन्होंने इसके विरोध में विद्रोह भी किया कि ये अलग क्यों है, मीन्स हिंदू को अलग क्यों किया गया, मुस्लिम्स को अलग क्यों किया। आखिरकार वो तो इंडिया से ही बिलोंग करते हैं और ये ब्रिटिश का एक इलेक्टोरेट पॉलिसी था जो कि डिवाइड एंड रूल का ही पार्ट था। द नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और एक राष्ट्रीय आंदोलन जो कि फर्स्ट प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चल रहा था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1914 अबाउट विच यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस लेसन। This war was fought among the nations of Europe to get colonial monopoly. During wartime, the British government made an appeal to the Indian leaders to join hands with them in their time of crisis. Indian leaders agreed, but they put their own terms and conditions. That is, after the war was over, the British government would give constitutional, legislative, and administrative powers to the Indian people.
Unfortunately, the steps taken by the British government during the World War First created unrest among the Indian people. This was because of the British government had taken a huge loan during wartime, which they had to repay. They increased drain from the land, that is lagan. They forcefully recruited Indians in the British army. They increased the price of necessary goods and imposed taxes on personal and professional income. As a result, they had to face protest from the Indian society. Farmers and workers of Champaran, Bardoli, Kheda and Ahmedabad actively protested against the exploitative policies of the British government. Lakhs of students left schools and colleges. Hundreds of lawyers gave up their practice. Women also significantly contributed in this movement, and their participation became wider with the emergence of Gandhi. The boycott of foreign cloth became a mass movement, with thousands of bonfires of foreign cloth lighting the Indian sky. तो जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 में स्टार्ट होता है, जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वाले लेसन में पढ़ चुका है. ये जो युद्ध था वो यूरोपियन नेशंस के बीच में लड़ा जा रहा था, क्योंकि वो कॉलोनियल मोनोपोली को गेन कर सके. इस युद्ध के टाइम में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एक अपील बनाता है इंडियन लीडर से कि आप इस युद्ध को में हाथ मिला लो, और ये हमारा संकट का समय है, इसमें आप हम लोग को मदद करो. ठीक है, जो इंडियन लीडर्स थे वो मान जाते हैं, लेकिन उनके खुद के टर्म्स और कंडीशंस हैं कि युद्ध के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सिर्फ भारतीय लोगों को देगी. लेकिन दुर्भाग्यवश जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब क्रिएट हुआ था तो उन्होंने वादा तो कर दिया, लेकिन फिर लोगों के बीच से जो वादा किया था उसे वो छोड़ देते, मीन्स उस वादा को फुलफिल नहीं करते, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो उसने ह्यूज लोन लिया था, बहुत बड़ा लोन लिया हुआ था इस युद्ध के टाइम में, और इसे वो उसे वापस भी करना था. लोन लेते तो उसे वापस करना होता है ना, तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने भी बहुत भारी मात्रा में लोन ले रखा था इस युद्ध को जीतने के लिए, जिसे उसे बाद में पे भी करना था. इसलिए उन्होंने क्या किया कि रेंट लैंड का इंक्रीज कर दिया, जिसे लगान के नाम से भी जानते हैं, और इस पे एक मूवी भी बनी है लगान के ऊपर, आप लोग वहां से भी इस चीज के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हो. इसमें क्या था कि जो इंडियंस थे उनको फोर्सफुली भर्ती करवाया जाता था ब्रिटिश की आर्मी में, और जो भी डेली बेसिस की जो नेसेसरी सामान है उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता था, हेवी टैक्स, और पर्सनल और प्रोफेशनल इनकम पे भी टैक्स लगाया था. इसके परिणाम स्वरूप जो भारतीय समाज के जो लोग थे उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया. जो मजदूर थे चंपारण, बरदौली, खेड़ा और अहमदाबाद के, इस विद्रोह में वो पार्टिसिपेट करते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होते हैं. लाखों विद्यार्थी स्कूल और कॉलेज को छोड़ देते हैं. करीब 100 से ज्यादा जो वकील थे वो अपने प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं. जो औरतें थी वो भी मुख्यतः इस मूवमेंट में कंट्रीब्यूट करती है, वो पार्टिसिपेट करती है, और इसमें गांधी जी का उदय होता है, इमरजेंस होता है, गांधी जी आते हैं. फिर जो भी विदेशी कपड़े होते हैं उनका बहिष्कार किया जाता है, हजारों चिताएं जलती हैं, किससे, तो फॉरेन के कपड़ों से, मीन्स विदेशी कपड़ों से, और जिससे जो भारतीय जो आसमान है वो पूरी तरह से प्रकाशमय हो जाता है, मीन्स वहां पे लाइट हो जाता है. कमिंग टूगेदर ऑफ नरम दल एंड गरम दल. अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो नरम दल है और जो गरम दल है, ठीक है, जो मॉडरेट ग्रुप्स था, रेडिकल ग्रुप्स था, वो दोनों अलग काम कर रहा था. लेकिन अब ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गई कि जो नरम दल है और जो गरम दल है दोनों को एक साथ आना पड़ा. ठीक है, ड्यूरिंग द वॉर टाइम द नरम दल एंड गरम दल केम टूगेदर इन 1916 एट लखनऊ कांग्रेस सेशन. द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस अग्रीड टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड डिसाइडेड टू गिव वेटेज टू द अदर पार्टी विद wherever they were in minority. Both Congress and Muslim League jointly demanded self-government, which could no longer be ignored by the government. The Lucknow session was also significant, as the radical leaders of the Congress were attending it after the split in 1907. It brought Tilak into prominence, and he remained an active member in the movement till his death in 1920. The pact which took place between the Congress and Muslim League aroused great hopes and aspirations in the country. Simultaneously, the work done by the Home Rule movement infused confidence and determination among the people. In order to pacify the Indians, the Montague-Chelmsford reform came in 1919. It introduced diarchy, which was a kind of double government in the provinces. The provisional government was to be divided into two parts.
one to be responsible to the Indian electorate through the legislation and other to the government. The report also laid stress on the Indianization of the services. तो जब युद्ध का समय चल रहा था तो जो नरम दल था और जो गरम दल था वो 1916 में लखनऊ कांग्रेस सेशन में एक साथ आते हैं. मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस थे वो मान जाते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए, और उन्होंने निश्चय किया कि वो अदर पार्टी को वेटेज देंगे और जो कि माइनॉरिटी में है. कांग्रेस और जो मुस्लिम लोग है उन्होंने एक साथ किस चीज का डिमांड किया, सेल्फ गवर्नमेंट का. हम लोग अब खुद से गवर्न करने गए अपने देश पे. लेकिन इसे जो गवर्नमेंट है उसे ज्यादा देर तक इग्नोर नहीं कर पाया. जो लखनऊ सेशन है उसका एक और मुख्य वजह था जो रेडिकल लीडर्स थे, ठीक है, जो ये उग्रवादी जो नेता सब थे कांग्रेस के, उन्होंने एक स्प्लिट कर दिया अपने आप को 1907 में, ठीक है, कांग्रेस बढ़ जाती है. और जो तिलक जी हैं उनको क्या मनाया जाता है कि वो अभी भी एक एक्टिव मेंबर होते हैं इस मूवमेंट के, अपने मृत्यु तक वो इस एक्टिव मेंबर होते हैं कांग्रेस के. 1920 में उनकी मृत्यु होती है. ये जो पैक्ट है कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का वो एक साथ खड़ा होता है, उसके पास बहुत सारी उम्मीद होती है एस्पिरेशंस की कि हम लोग की जो देश अब आजाद होने वाला है. उसी समय जो काम किए गए थे होम रूल मूवमेंट का उसका इन्फ्यूजन हो जाता है. जो कॉन्फिडेंस था, जो डिटर्मिनेशन था, पीपल लोग उसको, जो लोग थे उसको मान लेते हैं. और इंडियंस को पैसिफाई करने के लिए एक माउंटिंग चीफ फोर्ड रिफॉर्म होता है जो कि 1919 में इस रिफॉर्म को किया जाता है. इसमें क्या होता है कि डायआरकी को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. डायआरकी क्या है, तो इसमें डबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस एज अ वर्क करेगी. जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसे डिवाइड किया गया था दो पार्ट्स में, एक है इंडियन इलेक्टोरेट के लिए रिस्पॉन्सिबल और लेजिस्लेशन के थ्रू, और दूसरा गवर्नर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होने वाली है. ये जो रिपोर्ट था उसे इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज पे थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ता है. इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन एंड इट्स अलाइड ग्रुप्स वॉन द वॉर. ड्यूरिंग द वॉर मुस्लिम सपोर्टेड द गवर्नमेंट विद एन अंडरस्टैंडिंग दैट द सैक्रेड प्लेसेस ऑफ ओटोमन एम्पायर वुड बी इन द हैंड्स ऑफ खलीफा. बट आफ्टर द वॉर अ न्यू ट्रीटी वॉज इम्पोज ऑन द टर्की सुल्तान एंड ओटोमन एम्पायर वॉज डिवाइडेड. द एंगर द मुस्लिम्स हु टुक इट एंड इंसल्ट ऑफ टू द खलीफा. शौकत अली एंड मोहम्मद अली स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो आप देखो कि खिलाफत मूवमेंट है क्या और इसका स्टार्टिंग कैसे होता है. प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो ब्रिटेन और जो उसके एलाइड ग्रुप्स थे, ठीक है, वो युद्ध को जीत जाते हैं. और इस युद्ध के दौरान जो मुस्लिम्स थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है. और उसमें एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कि जो ओटोमैन एम्पायर जो उनका पवित्र तीर्थ स्थल है या तीर्थ जगह तीर्थीय स्थल है, ठीक है, उसे खलीफा के हाथों में सौंप दिया जाएगा. लेकिन युद्ध के बाद एक नया ट्रीटी इम्पोज होता है. तुर्की सुल्तान और जो ओटोमैन एम्पायर होते हैं वो पूरी तरह से डिवाइड कर दिया जाता है. इससे जो मुस्लिम है उनके अंदर आक्रोश फूटती है और वो इसे खलीफा का अपमान मानते हैं. शौकत अली और जो मोहम्मद अली थे उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया खलीफा के इंसल्ट के तौर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ में. आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट आल्सो पास्ड अनदर एक्ट नोन एज द रॉल्ट एक्ट. द एक्ट ऑथराइज्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अरेस्ट एंड इम्प्राइजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. इट आल्सो बैंड इंडियंस फ्रॉम कीपिंग एनी टाइप ऑफ वेपन. दिस एंगर्ड द सिख्स हु केप्ट अ कृपान अ टाइप ऑफ स्मॉल स्वॉर्ड विद देम एज पार्ट ऑफ देयर रिलीजन. The Indians considered this act as an insult to them. On 30th April 1919, on the occasion of Baisakhi fair at Jallianwala Bagh, Amritsar, people had gathered for peaceful protest against this act. Suddenly, a British officer, General Dyer, entered into the park with his troops and ordered them to open fire on the crowd with their machine guns. This was done without any warning to the people. The Jallianwala Bagh gates were closed and the people, men, women and children could not escape to safety. Within a few minutes, about 1,000 persons were killed. The massacre aroused the fury of the Indian people. Showing his anger and pain, the famous philosopher poet Rabindranath Tagore returned his knighthood to the British government. तो जब विश्व युद्ध प्रथम जब उसका अंत हुआ था तो जो भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसने एक और एक्ट को पास किया. वो एक्ट क्या था, रॉल्ट एक्ट. ये एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरे तरह से अधिकार देता था कि वो किसी भी आदमी को जेल में बंद कर दे, अरेस्ट कर ले बिना कोर्ट में ट्रायल किए हुए, और वो इंडियंस पे किसी भी प्रकार का हथियार रखने के लिए भी मना कर देता है इस एक्ट के थ्रू. इससे सिख पूरी तरह से गुस्से में आ जाते हैं, उनके अंदर आक्रोश भर जाता है, क्योंकि वो एक कृपान को अपने पास रखते हैं, छोटा तलवार को अपने पास रखते हैं जो कि उनके धर्म का एक हिस्सा है,
और जो भारतीय थे इस एक्ट को अपना अपमान मानते हैं, और 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के अवसर पे लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं, ठीक है। सिर्फ वो शांतिपूर्वक विद्रोह करना चाहते थे, उनका कोई भी इरादा नहीं था लोगों का कि वो शांतिपूर्वक ना होके भयावह तरीके से विद्रोह करें, बस उनका शांतिपूर्वक वो विद्रोह करना चाहते थे। अचानक से क्या होता है कि एक ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर उस पार्क में एंटर करता है अपने सिपाहियों के साथ, और वो ऑर्डर करता है कि जाओ इस भीड़ पे तुम फायर कर सकते हो मशीन गन्स के हाथ से। और ये लोगों को बिना वार्निंग दिए होता है, मींस अगर कोई लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसे पहले तो उसे समझाया जाएगा ना कि हाँ आप यहाँ पे मत करो, लेकिन उसे कोई भी वार्निंग नहीं दिया जाता है और लोग अचानक से लोगों पे फायरिंग स्टार्ट कर दिया जाता है। तो जालियांवाला बाग था उसे क्लोज कर दिया जाता है, जितने भी जो लोग थे चाहे वो मेन हो विमेन है या फिर बच्चे हो, वो बच नहीं पाते, सुरक्षित नहीं बच पाते। और चंद मिनटों में क्या होता है कि हजारों लोग उस बाग उस जालियांवाले बाग कांड में मारे जाते हैं। ये जो कांड था इसमें बहुत सारे जो लोग थे वो मारे गए। और इस दुख को जताने के लिए, इस गुस्से को जताने के लिए जो हमारे फेमस फिलोसफर थे कवि रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लौटा दिया। नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ट्राई टू सॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 8.1, ओके। इमर्जेंस ऑफ गांधी, तो हम लोग देखेंगे कि गांधी जी किस प्रकार से इमर्ज होते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज अ लॉयर ट्रेन्ड इन ब्रिटेन, ही वेंट टू साउथ अफ्रीका इन 1893 एंड रिसाइडेड देयर फॉर 21 इयर्स। द ट्रीटमेंट ऑफ द इंडियंस इन साउथ अफ्रीका बाय द ब्रिटिश प्रोवोक्ड हिज कंसर्न्स। ही डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द गवर्नमेंट ही इवॉल्व्ड द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह, नॉन वायलेंट इंसिस्टेंस फॉर ट्रुथ एंड जस्टिस। गांधी सक्सीडेड इन दिस स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका। ही रिटर्न टू इंडिया इन 1915। इन 1916 ही फाउंडेड द साबरमती आश्रम एट अहमदाबाद टू प्रैक्टिस द आइडियाज ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। गोपाल कृष्ण गोखले एडवाइज्ड हिम टू टूर द कंट्री मेनली इन द विलेजेस टू अंडरस्टैंड द पीपल एंड देयर प्रॉब्लम्स। हिज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन सत्याग्रह बिगैन एट चंपारण इन बिहार इन 1917 व्हेन ही इंस्पायर्ड द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। He also organized a satyagraha to support the peasants of the Kheda district of Gujarat. These peasants were not able to pay their revenue because of crop failure and epidemics. In Ahmedabad, he organized a movement amongst cotton mill workers. Okay? तो जो गांधी जी थे उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। वो एक लॉयर थे और उनका ट्रेनिंग कहाँ से हुआ था? ब्रिटेन से। वो साउथ अफ्रीका में भेजे जाते हैं साउथ अफ्रीका में 1893 में, और वो वहां पे 20 साल तक रहते हैं साउथ अफ्रीका में। और जो उन्होंने वहां पे क्या देखा कि जो भारतीय उनका जो ट्रीटमेंट है साउथ अफ्रीका में ब्रिटिशों के द्वारा, वो अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने निश्चय किया कि हम इस पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे। ये जो रेसियल डिस्क्रिमिनेशन था साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट की तरफ से, उसके प्रति वो आवाज उठाएंगे। इस कोर्स के दौरान गांधी जी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं गवर्नमेंट से लड़ने के लिए, और उन्होंने एक सत्याग्रह टेक्निक को अपनाया, ठीक है, जिसमें नॉन वायलेंट किया गया था। मींस नॉन वायलेंट मींस क्या, कि हम कोई भी हिंसा नहीं करेंगे, हम अहिंसा के रास्ते पे चलेंगे, सत्य बोलेंगे और न्याय करेंगे। गांधी जी अपने संघर्ष में साउथ अफ्रीका में सफल हो जाते हैं और वो भारत में 1915 में लौट जाते हैं। 1916 में उन्होंने क्या देखा कि जो साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद है वहां पे जो अपना वो आइडिया फिर उन्होंने वहां पे किया, लोग सच बोलेंगे और वो हिंसा नहीं करेंगे, ठीक है, अहिंसा से रहेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो उन्हें सलाह देते थे, ठीक है, कि कैसे आप कंट्री में पूरे देश भर में टूर कीजिएगा, गांव में किस प्रकार से जाइएगा और कैसे लोगों के जो प्रॉब्लम है उनसे आप कनेक्ट कर पाइएगा और उनको सॉल्व कीजिएगा। उनका जो पहला एक्सपेरिमेंट था सत्याग्रह, वो चंपारण बिहार में 1917 में स्टार्ट हुआ था, जब वो किसान को देखते हैं कि वो किस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं अपने अत्याचारी रूलर्स के खिलाफ, ठीक है, प्लांटेशन सिस्टम में। उन्होंने एक ग्रुप ऑर्गेनाइज किया सत्याग्रह का, जिसमें किसान लोगों ने सपोर्ट किया खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, ठीक है। ये जो किसान थे वो अपने रेवेन्यू को पे करने में सक्षम नहीं थे क्योंकि उनका जो फसल था वो फेल हो चुका था महामारी की वजह से। और अहमदाबाद में उन्होंने एक मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया जिसमें जो लोग थे कॉटन मिल वर्कर्स उस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है।
वेल चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंडेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इसे समझने और पढ़ने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you, everyone.